बुलेट ट्रेन, जो सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि अपने आरामदायक सफर के लिए भी जानी जाती है। लेकिन जल्द ही बुलेट ट्रेन लॉन्चर बनने वाले हैं, ऐसे लॉन्चर जो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ऐसा करने का दावा चीन कर रहा है। चीन का कहना है कि उसने ऐसे बुलेट ट्रेन तैयार किए हैं जो न सिर्फ तेजी से परमाणु हथियारों को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं बल्कि उसे किसी भी कोने से लॉन्च भी कर सकते हैं। ट्रेन देश के विशाल इलाके में हमेशा घूमती रहेंगी ताकि दुश्मन देश न इसे ट्रैक कर सकें और न ही नष्ट कर सकें। इस नए लॉन्चर से चीन लद्दाख में अपने इलाके से ऑस्ट्रेलिया तक और पूर्वी इलाके में अमेरिका के न्यूयॉर्क तक मिसाइल दाग सकता है। लेकिन इन ट्रेनों के जरिए क्या परमाणु हथियार लॉन्च करना आसान होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि परमाणु मिसाइलों को दागने में इतना जोर लगता है कि उनका वजन ट्रेन की अधिकतम वजन क्षमता से भी 4 गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर दबाव का असर ट्रैक और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा तो भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन चीन ने अपने प्रोजेक्ट DF-41 में इसका भी हल निकाल लिया। दरअसल चीन की DF-41 मिसाइल 21 से 22 मीटर लंबी है और लॉन्च के समय इसका वजन 80,000 किलोग्राम होता है। इसे 3 स्टेज वाले इंजन के साथ लॉन्च किया जाता है, यानी मिसाइल की लॉन्चिंग के समय ट्रेन पर उसका जोर कम पड़ेगा जिससे मिसाइल 12 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि इसमें 10 MIRV लगे हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। रेल के जरिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बदला जा सकता है ताकि वो और ज्यादा घातक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।